ये बीरभूम ममता दीदी की भी जन्मस्थान है। आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 15 साल आप मुख्यमंत्री बनी, आपके जिले में कोई औद्योगिक परियोजना क्यों नहीं आई? यहां के लोगों को नौकरी के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? सूरी के लोगों को पीने का पानी क्यों उपलब्ध नहीं हुआ है? राजनगर के लोगों को आज भी इतनी नदियां होने के बावजूद शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है। ये हमारे बीरभूम जिले में चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं है, और शक्तिपीठ और ये 5 महादेव होने के बावजूद पर्यटन का भी नामो निशान नहीं है, और अवैध रेत का खनन, उसका कारोबार बहुत फल फूल रहा है। भाइयों बहनों, शुभेंदु दा यहां बैठे हैं, मैं आप सबकी ओर से कहना चाहता हूं, शुभेंदु दा, इस बार बीरभूम जीतकर 30 सीटें हम जीत जाए तो आपको आने वाले दिनों में ये सारे काम बीरभूम के पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी है।